सो हेलो एवरीवन, दिस वीडियो स्पेशली फॉर गेमर्स। 6-7 हज़ार हेडसेट पे खर्च करने से अच्छा ये 600 का ईयरफोन ले लो एंड मैं पूरी सेटिंग करके बताऊंगा कि क्यों ये सबसे बेस्ट है। एंड गर्मी, मुंबई की गर्मी, मेरे पास ऑलरेडी एक हेडसेट पड़ा हुआ है बट मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा बिकॉज मुंबई की गर्मी एंड घंटों गेमिंग इससे अब पॉसिबल नहीं हो पा रही है। 3 घंटे 4 घंटे लगा के रखना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। 600 का ये ईयरफोन एंड इसमें बोट नहीं, मैं तो देख के एकदम चौंक गया था कि इतना अच्छा सा उसमें इतना सुंदर सा कवर दे दिया है। वो गोल सा पाउच या कुछ जो भी कह लो उसको, बहुत ज्यादा मजेदार। एंड इसकी सेटिंग जो है वो मैं आपको वीडियो में थोड़े आगे करके दिखाऊंगा। वो सेटिंग नहीं करोगे तो देन इसको अपने कंप्यूटर में डालोगे, बहुत ही चीप सा साउंड आएगा। सो वो सेटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें सामान के तौर पे यू नो एक बोट का ईयरफोन है एंड कुछ सेटिंग्स हैं, ईयरबड छोटे बड़े एंड एक क्लिप है। सो क्लिप के बारे में अगर बताया जाए तो क्लिप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्लचेस हैं जो कि आपको कान पे होल्ड करने के लिए, एंड दिस इज द क्लिप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी भी उसको यूज कर रहा हूँ माइक को, यू नो ईयरफोन को होल्ड करने के लिए अपने कपड़े पे लगा रखा है मैंने, बिकॉज ईयरफोन थोड़े से बल्कि हैं। सो या होल्ड करने के लिए आप उस क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड बाकी ये जो रबर एडजस्टमेंट्स हैं जिससे आप यू नो अपने ईयर के हिसाब से, साइज के हिसाब से आप उसको फिट कर सकते हो। ये जो पाउच है ये मुझे सच में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा ना, आई एम रियली लविंग इट। एनीवेज इतना ही था। अब इसके बाद अगर आगे बात की जाए तो चलिए सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। गोल्ड प्लेटेड 3.5 mm है, सो कुछ ज़्यादा खराब होने के चांसेस नहीं है। एंड मैं टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं इसको एक बार पीसी में डाल दिया सो मैं कभी निकालता ही नहीं हूँ, बिकॉज मुझे इसको मेनली पीसी के लिए, गेमिंग के लिए ही लेना था। सो दिस इज माई स्टोरी। मे बी आप मोबाइल पीसी करो तो शायद डिफरेंस हो जाए, बट आई विल प्रेफर कि पीसी में डाल दें एंड देन भूल जाओ। चलो बढ़ते हैं अब सेटिंग की तरफ एंड देखते हैं किस तरीके से इसको थोड़ा सा हाई क्वालिटी जो है वो आप बना सकते हो, बिकॉज उसके बगैर तो ये बिल्कुल चीप साउंड करने वाला है विदाउट बेस एंड ऑल। ओके सो गाइस, हेडफोन में दिखाने के लिए बस इतना ही था। चलिए अब इसमें गेमिंग वाला जो टच है वो देते हैं, बिकॉज जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो अगर आप नहीं करोगे तो बेस, ऑडियो क्लैरिटी कुछ नहीं आएगी एंड बिल्कुल चीप साउंड करेगा। एंड छोटी सी सेटिंग, सॉफ्टवेयर सेटिंग्स, एंड आपका ईयरफोन जो है वो एकदम प्रो बन जाएगा। ये है एक इक्वलाइजर सॉफ्टवेयर जो कि एसस टफ, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई और भी यूज कर सकते हो। मार्केट में जो फ्री ओपन सोर्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है ये इक्विलाइजर APU। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एंड यूट्यूब पे काफी सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड ऑल, उसको आप इस्तेमाल करके एंड देन इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो आगे क्या करना है, YouTube पे आके एंड ऐसे आपको यू नो बेस म्यूजिक, बेस बूस्टेड सॉन्ग्स लिखने एंड कोई भी जो ऐसे सॉन्ग्स है वो आपको डाउनलोड कर लेना, प्ले ही कर लो, डाउनलोड क्यों ही करना। एंड साइमल्टेनियसली इनको प्ले करके एंड ये जो इक्वलाइजर है इसको आप अप डाउन कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरीके से यहाँ पे ये अप डाउन एरोज है, जो भी इसको बार वगैरह बोलते हैं, वो सेम चीज़ मेरे वाले इक्वलाइजर में अवेलेबल है। सो कुल मिला जुला के सभी सेम ही होते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। एंड मुझे ज़्यादा तो नॉलेज नहीं बिकॉज म्यूजिक से, आई एम नॉट अ डीजे एंड ऑल, बट ये जो साइड है ये बेस के लिए स्टैंड करता है एंड इस साइड आई थिंक ट्रेबल या जो यू नो फुटस्टेप पतली आवाज़ें होती है उसके लिए। सो आप उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। रिवर्ब जो है वो 25% के आसपास रख दो, ज़्यादा रिवर्ब यू नो बहुत ज़्यादा इको होएगा, सो उतना तो अपने को नहीं चाहिए। ये माइक्रोफोन की सेटिंग्स है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बेस बूस्ट ज़्यादा मत करना, नहीं तो फिर सब यू नो बूम बूम सुनाई देगा एंड फुटस्टेप्स नहीं आएंगे। वी वॉन्ट टू यूज़ इट फॉर गेमिंग। कंप्रेसर ऑडियो को डैम्प करने के लिए होता है। वॉइस क्लैरिटी, वंस अगेन देखो थियरी पढ़ाई लिखाई में मत जाओ, गाना चालू करो, गेम चालू करो एंड एक दो दिन बैठ के इसको अप डाउन करते जाओ, जो सेटिंग अच्छा लगे स्क्रीनशॉट मार लो, जिंदगी भर इस्तेमाल करो, बहुत ही सिंपल सा मंत्र है। सो अगर आपके इक्वलाइजर में APU में वो नहीं है जो मैंने आपको दिखाया, सो व्हाट यू कैन डू, टेंशन मतलब वैलोरेंट में ऐसा एक ऑप्शन है, वैलोरेंट में जाना आपको सेटिंग्स, सेटिंग्स में ऑडियो एंड ऑडियो में HRTF, प्लीज डिसेबल एनी अदर 3D ऑडियो प्रोसेसिंग एप्लीकेशन वाइल यूजिंग HRTF। अगर आपके PC में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है जो यू नो ये वर्चुअल सराउंड साउंड, तो आप इसको ऑन कर सकते हो एंड आपका वही काम करेगा। जस्ट बिकॉज मेरे पास है तो आई टर्न इट ऑफ, क्योंकि इसमें लिखा था कि एक साथ दो दो यूज मत करो, सो मैंने यहाँ पे ऑन कर रखा है, सो मैं वहाँ से ऑफ कर दूंगा। आई होप ये पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है वो आप लोगों को समझ में आ रहेगा। कोई भी अदर डाउट है जस्ट लेट मी नो। एंड यस, 600 में आप उसकी जान नहीं ले सकते। इतने सारे ईयरबड्स दिए हुए एडजस्टमेंट के लिए, बोट का केस दिया हुआ है, ईयरफोन का ईयरफोन है एंड आई एम सीरियसली लविंग इट। एंड कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, जस्ट लेट मी नो एंड लाइक तो एटलीस्ट कर देना। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा किसी और दिन आपसे एक नई मजेदार वीडियो में। दिस वॉज एंकी शॉट्स साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।